शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, उसी के साथ करते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले कांग्रेस नेता पहुंचे हैं, तो बढ़े हुए बिजली बिल माफ करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। तो पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में आम जनता के काम धंधे बंद पड़े हैं, सरकार को आम जनता का बिजली बिल माफ करना चाहिए। सब्सिडी को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ऊर्जा मंत्री ने यह भी साफ कहा है। उन्होंने कहा कि हम देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पहुंचे हैं, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में आम जनता के काम धंधे बंद पड़े हैं, सरकार को आम जनता का बिजली बिल माफ करना चाहिए। 1 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन रहा भाई, आपको बिजली का वो करना ही था। जब सब चीज लॉकडाउन थी, लोगों के काम धंधे बंद थे, गरीब मजदूर काम पे नहीं जा रहा, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये 2 महीने का पैसा देगा कहाँ से? आप तो बिजली का ही लॉकडाउन कर देते, बंद कर देते। अब ये जो 100 रुपये 100 यूनिट, तो मंत्री जी ने खुद माना कि कमलनाथ जी की योजना थी, उसको लागू किया, लेकिन कहीं कहीं इसमें गड़बड़ है, क्योंकि 100 रुपये 100 यूनिट में 100 रुपये आता था पहले बिजली का बिल, अभी आ रहा है 2-2 हज़ार रुपये। तो ये सब इसकी भी हमने कहा कि जांच करो और 2 महीने का माफ़ करो। उन्होंने बाद में कहा आप लोगों से कि इस पर हम विचार करेंगे। 100 यूनिट 100 रुपये में, उसमें बताया आपको जो बिल 450 रुपये 100 यूनिट का आता, उसमें 350 रुपये की सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है उपभोक्ताओं को। पीसी शर्मा जी ने भी ज्ञापन दिया है अभी, मैं इस उनकी भावनाओं में जो है क्या हम लोग कर सकते हैं करने की कोशिश। और चलिए अधिक चर्चा करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस से अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए हैं, वहीं कृष्ण गोपाल पाठक जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मुद्दा कांग्रेस का है, इसलिए अवनीश बुंदेला जी आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है ऊर्जा मंत्री से, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है उनकी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए माननीय पीसी शर्मा जी सदैव भी एक गरीबों की आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, और वही उन्होंने आज किया। हम सब देख रहे हैं कि लगभग 2 महीने से एक व्यापारी भी, आमजन भी लॉकडाउन की स्थिति को झेल रहा है, और उसके बाद जो ये एमपीबी के जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, ये बात सही है, जब हमारी सरकार थी तो हम 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दिया करते थे, और आज कहाँ है वो योजना, किस बात की सब्सिडी की बात कर रहे हैं हमारे ऊर्जा मंत्री जी? अरे साहब, सिलेंडर पे जो सब्सिडी आती थी एलपीजी की, लगभग 1 साल से वो सब्सिडी तक बंद हो गई है। देखिए ग्राहक को अगर अपनी जेब से 450-500 रुपये 2000 रुपये निकालने पड़ रहे हैं, फिर कभी सब्सिडी आ रही नहीं आ रही, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आज पीसी शर्मा जी ने ऊर्जा मंत्री जी के निवास पर जाके आम जनता की आवाज बुलंद की है, उन्होंने वही ज्ञापन दिया है। इसमें कहीं आप अब उसको राजनीति की दृष्टि से नहीं देखें, उन्होंने बगा ये समस्या बताई, ये समस्या मैं खुद झेल रहा हूँ, आप भी झेल रही होंगी अपने घर पर, कि जो बिल पहले कमलनाथ सरकार के समय 200-300 रुपए आया करते थे, वो बिल 2000 आ रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? चलिए पाठक जी आपसे जान लेते हैं, जिस तरह से अवनीश जी कह रहे हैं कि आम जनता काफी ज्यादा परेशान है बिजली बिल से, और ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि बिल में थोड़ी सी कमी लाए सरकार, क्या कहेंगे? मैं आपको 1 मिनट में सारी बातों का अंतर समझाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कांग्रेस पार्टी गाल बजाती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाके कोरोना महामारी के समय हमारे कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, समाज सेवी संगठन खड़े रहे, कोविड केयर सेंटर बनाते रहे, लोगों को सुविधाएं देते रहे, वहीं कांग्रेस ट्वीट को न्यूज बनाने का काम करती रही। यही अंतर दो पार्टियों का है, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पीएम केयर फंड से लेकर शिवराज सिंह जी की सरकार ने सभी अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने का काम किया है, परिवार बनाने, परिवार में सहायता देने का काम किया है। राशन केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का डबल हर परिवार को, गरीब परिवार को मुफ्त मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनता को पूरी सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार इस कोविड काल के उपरांत देने जा रही है, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे दूसरी अन्य उपचार सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो। हर स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है, हम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार की राजनीति करती रहेगी, क्योंकि इनके पास जनता ने देख लिया है इस कोविड महामारी के समय 1.5 महीने तक ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा और आपके न्यूज चैनल पर बाइट के अलावा
इनका एक भी चेहरा, एक भी कार्यकर्ता पदाधिकारी का चेहरा जनता के बीच सुविधाएं प्रोवाइड कराता हुआ दिखाई नहीं दिया है। कल्पना कीजिए, भोपाल में माधव सेवा केंद्र, इंदौर में राधा स्वामी जी का केंद्र, बैतूल में भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय, सब कोविड सेंटर बन गए। हर जिले में हमने कोविड सेंटर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी के माध्यम से भी बनाकर उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाने का, सरकारी अस्पतालों को भी काम किया है सुविधाएं प्रोवाइड कराने का। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, इनको ये जवाब देना पड़ेगा। सर मान रहे हैं, चलिए जनहितैषी सरकार तो है ही, ये बात तो मैं भी स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुद्दा बिजली का है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिजली को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पूरी तरीके से संवेदनशील है। जिस प्रकार से हम अन्य समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, मानते हैं हम कि विभीषिका बड़ी भीषण थी, बहुत सारे परिवारों के सिर से माता पिता का साया उड़ गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान देश के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5,000 रुपया प्रतिमाह पीड़ित और अनाथ परिवारों को देने का वचन दिया, मुफ्त शिक्षा बच्चों को। बुंदेला जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो विषय क्या था और पाठक जी कहाँ भटक गए, कोविड सेंटर पर चलेगा, मैं उसी की बात करता हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी सिर्फ अभी विपक्ष के नेता है, 1500 टन से ज्यादा ऑक्सीजन उन्होंने मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराई है, सरकारी खर्चे से नहीं। तो इनके चाहे कोविड सेंटर बने हो, हम हर उसमें ही सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इनके सत्ता के दुरुपयोग की आपको ताजा आज की तस्वीर बताता हूँ। इन्होंने 6 राज्यों का एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया, कहाँ बनाया? मध्य प्रदेश में। उन राज्यों का, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, ये चारों पांचों ये राज्य जो गैर भाजपा शासित राज्य, जबकि कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर ये असली संगठन वाले मुंबई में बनाते आप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में क्यों बनाया आपने? क्योंकि ताकि आप शिवराज सिंह चौहान जी के उनके सरकार के काले धन से आप अपने संगठन को बढ़ा सके, आपका संगठन फल फूल सके। यही है भाजपा की असलियत, और इनका संगठन वहीं दिखाई देता है जहाँ ये सरकार में होते हैं, जहाँ चले। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही ओर से जनहितैषी बयान सामने आए हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले कांग्रेस नेता पहुंचे, हालांकि ऊर्जा मंत्री ने भी ये साफ कहा है कि सब्सिडी को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं हम देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं।